मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कचनारवाड़ी की सैकड़ों महिलाओं द्वारा शुक्रवार देर शाम ग्राम पंचायत परिसर में मौजूद थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर, चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह जादौन को ज्ञापन देकर मांग की है कि अब गांव में किसी को भी शराब बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। में कहा गया कि समस्त ग्राम वासियों द्वारा संविधान की धारा के तहत पारंपरिक ग्राम सभा का आयोजन कर यह ठहराव प्रस्तुत पास कर यह निर्णय लिया गया कि गांव में कोई भी शराब नहीं बेचेगा और कोई व्यक्ति शराब बेचते हुए पाया गया तो महिलाओं द्वारा 20,000 का जुर्माना रखा गया है और गांव में शराब की बिक्री बंद होने पर यदि कोई बाहरी व्यक्ति शंका की स्थिति में पाया गया तो उसे पंचायती मार के साथ 500 रुपये से दंडित भी किया जाएगा। आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस को आवेदन देकर तत्काल शराब की बिक्री बंद करने की मांग की। थाना प्रभारी ठाकुर और चौकी प्रभारी जादौन ने महिलाओं के आवेदन को गंभीरता से लिया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि अवैध शराब बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। तहसील गाँव में शराब बेचना बंद करवाने बाबत हम समस्त ग्रामवासी कचनारवाड़ी रोड भालिया की महिलाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि गांव में कोई भी शराब नहीं बेचेगा। ये तो बहुत साल हो गए, तो हम देखते देखते परेशान हो गए। अच्छा। हम दारू धंधा चले जाते हैं, बच्चे रहते बच्चों ने कोठी में दाना देते हैं, कोठी में कोई चीज होती है वो बेच देते हैं। अच्छा, फिर आपने आज क्या किया? हमने आज हमने पकड़ लिया। अच्छा, दुई चक्कर बोले कि हम देश में वैसे बोल रहे हो? नहीं, दुई चक्कर बड़ी यूनिक रखी। अवैध रूप से बिक्री दारू। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।